का सगा मंडली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य वालेरा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं हैप्पी स्ट्रीट पर, जो कि हर संडे होता है और होता था, क्योंकि ये जो है लास्ट संडे है हैप्पी स्ट्रीट का, मतलब लास्ट डे है। आज हम जाएंगे वहाँ पे और कुछ अलग करने का सोच रहा हूँ मैं। पब्लिक प्लेस में लेके जा रहे हैं अपने डॉग को। तो गाइज बने रहना हमारे इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है आज का, तो प्लीज बने रहना। और जो लोग नए आए हुए हैं इस वीडियो के जरिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो गाइज पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चलते हैं हैप्पी स्ट्रीट पर। तो गाइज हम यहाँ पे पहुँच तो गए हैं, बट बारिश स्टार्ट हो गई है और हम इसको बारिश में घुमा नहीं पाएंगे। देखते हैं, अगर बारिश रुक जाए तो मजा आएगा। Jump and sound.
नहीं पकड़ेगा वो। Thank you.
ऐसा लेके आना था मेरे तो गाइज हमने साथ में इसका बाउल भी लाया था, तो फिर ट्रे को थक चुका है तो इसको पानी दे देता हूँ और जाते हैं अभी पानी पिलाने के बाद डायरेक्ट घर पे। ये पकड़ पानी, शायद बहुत ठंडा है। पानी ज़्यादा नहीं पिलाऊंगा नहीं तो ये उल्टी कर देगा गाड़ी के अंदर, और पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। ये लो रख दो। ये देखो ऐसे विंडो से बाहर अपनी मुंडी निकाल लेता है और एंजॉय करता है, तो इस वजह से इसकी कल गर्दन फंस रही थी काश के अंदर। ऐसी सेम उसने कल गर्दन रखा था, देख लेना आप कल का व्लॉग, मैंने कल के व्लॉग में बताया है। चलो गाइज अभी हम घर पे आ चुके हैं और अभी ड्रेको का खाना खाने का टाइम हो चुका है तो इसको खाना दे देता हूँ। तो गाइज देखा आपने आज का व्लॉग, कैसे लोग ड्रेको से मिले, कैसे ड्रेको के साथ फ़ोटो खिंचवाई और कैसे ड्रेको से लोगों ने प्यार किया, बट ड्रेको ने ना ही उनको बाइट किया, ना उन पर अटैक किया और ना किसी प्रकार का हर्ट किया। वहाँ पर कम से कम 10,000 के आसपास पब्लिक थी, मैं इतने पब्लिक में इतने रश में उसको लेके गया बट वो थोड़ा सा भी अग्रेसिव नहीं हुआ। तो गाइज आई होप जो लोग सोचते हैं कि रॉटवेलर बहुत अग्रेसिव ब्रीड है तो उनको समझ गया होगा, उनको दिख गया होगा कि सभी डॉग या फिर सभी रॉटवेलर ब्रीड अग्रेसिव नहीं होती, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं। जो डॉग अग्रेसिव बनते हैं उसके पीछे भी कुछ रीज़न रहते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद नेक्स्ट वीडियो भी आ जाए उसके ऊपर। तो मैं इस टॉपिक पर ये वीडियो में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कैसा है अगर मैं पूरा व्लॉग और ये सब बातें अगर मिक्स कर दूंगा एक ही व्लॉग में तो पूरा कचरा हो जाएगा, आपको भी समझेगा नहीं, आपको भी बोर मारेगा और ऊपर से वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइज कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और गाइज आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मैं आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।